नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कैरी का बिना तेल वाला सूखा अचार। तो ये मैंने 3 छोटी कैरी ली है और ये होगी 100 ग्राम के करीब कैरी होगी। और ये मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये हल्दी पाउडर और ये 1 बड़ा टेबल स्पून भर के नमक है। अब ये जो डली वाली जो हींग है, ये बहुत अच्छी हींग है, तो ये 1 डली हींग की मैं इसमें कूट लेती हूँ। ये मैंने हींग को बारीक कर लिया है। अब ये मिर्ची में डाल रही हूँ हींग, और ये हल्दी डालती हूँ 1/2 चम्मच, और ये 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये अचार डालना बहुत आसान है, इसमें तेल की या राई की दाल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बस केवल हींग और जो नमक है वो उसका सही डलेगा, तो आपका अचार 12 महीने ये बिना तेल का भी ख़राब नहीं होगा। और इसका रख रखाव ऐसा है कि इसको ठंडी जगह पर ही रखना पड़ता है रोज़ रोज़, फिर आप इसको चम्मच से हिला दीजिए तो ये अचार ख़राब नहीं होगा। अब ये मैंने मिक्स कर लिया है मसाला, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ये हमारा अचार तैयार हो गया है। 2 दिन के बाद ये बिल्कुल खाने लायक हो जाएगा। ये मैंने मिक्स कर लिया है अचार, इसको अच्छे से लपेट देंगे इनमें। इसमें 1 किलो कैरी में 250 ग्राम के करीब नमक डलता है। और मिर्ची तो आप जैसा खाना चाहें तीखी, वैसे ये तीखा ही अचार अच्छा लगता है। जब ये गल जाती मिर्ची तो फिर इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं रहता। और जो हींग गलेगी इसमें तो हींग का बहुत अच्छा स्वाद आता है इसमें। अब इस अचार को हम इसमें भर लेते हैं। ये हमारा अचार तैयार हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल मिर्ची, हल्दी और हींग और नमक ये डाल के इसको मिला लेना है। अचार को ये इसमें मिला लेना है। ये हमारा अचार तैयार हो गया। अब 2 दिन के बाद ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में। अभी जैसे आप सोचे कि तुरंत खा लो तो वो इतना स्वाद नहीं देगा, क्योंकि जब ये गलेगा और पानी छोड़ेगा तब ये अचार बहुत अच्छा लगता है। अब ये हमारा अचार तैयार हो गया है। अब इसमें ढक्कन बंद करके हम इसको रख देंगे ठंडी जगह पर, और फिर इसको हिलाना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा डालें तो फिर रोज़ रोज़ हिलाएं। ये तो अभी रोज़ खाने के हिसाब से मैंने डाला है, तो 2 दिन के बाद ये खाने लायक हो जाएगा अचार। तो इस तरह से आप ये अचार बनाइए, और तुरंत ये गर्मियों में भी बन जाता है और बरसात में भी आप डाल सकते हैं इसको, पर गर्मियों में ज़्यादा अच्छा लगता है ये अचार। तो यदि आपको मेरा ये बिना तेल वाले अचार का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।